राज्य सरकार ने सूबे के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से निठल्ले मास्टर साहब पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल सरकार ने सूबे के सरकारी स्कूलों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रैंकिंग देने की योजना बनाई है। इसके तहत जो स्कूल सबसे निचले दर्जे का होगा वहां के शिक्षकों का न सिर्फ वेतन कटेगा बल्कि उन्हें जबरन रिटायर भी किया जा सकता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। राज्य सरकार के लाख प्रयास और सख्ती के बाद भी सूबे के सरकारी स्कूलों की तस्वीर नहीं बदल पा रही। सरकारी स्कूल एक तरह से वैसे बच्चों का विद्यालय बन चुका है जो पूरी तरह से लाचार है, जबकि सरकार ऐसे सरकारी स्कूलों पर करोड़ों का बजट खर्च करती है। शिक्षकों को अच्छा खासा वेतन भी मिलता है, कई अंकीय सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन आज कोई भी सक्षम व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। लिहाजा सरकार ने अब सरकारी स्कूलों की रैंकिंग निर्धारित करने का फैसला किया है। जो स्कूल बेहतर होगा उसे गोल्ड, दूसरे नंबर का स्कूल सिल्वर और तीसरे नंबर का स्कूल कांस्य मेडल प्राप्त करेगा। जो इस रैंकिंग में नहीं आएंगे उनके शिक्षकों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। स्कूलों की ये रैंकिंग थर्ड पार्टी तैयार करेगी। जब देखते हैं कि बच्चे वास्तव में मैक्सिमम बच्चे एक सर्टेन स्तर पर हैं, जिसे हिंदी में अधिगम स्तर बोलते हैं, अंग्रेजी में लर्निंग आउटकम बोलते हैं, और भारत सरकार ने भी एक लर्निंग आउटकम अधिसूचित किया है विषयवार कक्षावार, तो उस लेवल पे जब बच्चे पहुँचे हुए होते हैं तो उनको सर्टिफिकेट ब्रांज मेडल का रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद उससे थोड़ा टफ स्तर होता है सिल्वर मेडल, तो और उसके बाद होगा गोल्ड। तो अब राज्य भर में 34,000 सरकारी स्कूल हैं और इन स्कूलों में 1,30,000 सरकारी शिक्षक। सरकार के इस फैसले से कुछ शिक्षक ऐतराज जता रहे, लेकिन कुछ शिक्षकों का मानना है कि सरकार का ये फैसला बेहद ही शानदार है। सरकार के इस फैसले से ऐसे शिक्षकों को काम करने की ताकत प्राप्त होगी जो स्कूलों में अपना 100% देते हैं और रिजल्ट भी बेहतर करते हैं। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो लोग अच्छे कर रहे हैं वो तो और अच्छा करेंगे और जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं वो अच्छा करने का प्रयास करेंगे, तो एक प्रतिस्पर्धा होगी विद्यालयों के बीच में। इससे हमारा समाज विकास करेगा, विद्यालय विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। तो बहुत ही अच्छा सुझाव है और इससे टीचर्स में भी एक तरह से कॉम्पिटिशन आएगा कि मतलब मेरे स्कूल को बेहतर करवाना है ताकि उनका भी नाम हो, और बच्चों के लिए भी अच्छा है कि उनको भी अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, टीचर्स भी काम करेंगे तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा। अभी हाल ही में एक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि सूबे के सरकारी स्कूल के 8वीं के बच्चे कायदे से जोड़ घटाओ गुणा भाग भी नहीं कर पाते। निश्चित रूप से सरकार की ये पहल सराहनीय है। सूबे के सरकारी स्कूलों में गेहूं के साथ घुन पिसने की पुरानी परंपरा को अब सरकार ने समाप्त करने का फैसला किया है। अच्छे शिक्षक को पुरस्कार मिलेगा और निकम्मे शिक्षकों पर सरकार ने चाबुक चलाने का फैसला भी कर रखा है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।